आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने नाम को सुधार कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने मोबाइल से ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं। बस 2-4 मिनट लगता है और इसमें 1 रुपया खर्च भी नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को सीख के रखिए, अपना या अपने फैमिली में किसी का भी सुधार कर लीजिएगा वोटर आईडी कार्ड में नाम, या कभी किसी का मौका मिले तो उसका भी सुधार कर दीजिएगा, पुण्य का काम भी होगा। छोटा सा चीज़ है, इसके लिए आपको कहीं भी दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और एकदम आसान तरीका से आपको हम बताते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में कभी भी नाम सुधार करना हो, ठीक करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, इंस्टॉल होने के बाद देखिए जैसे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। देखिए ऐसा पेज आ गया ओपन होने के बाद। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, आपको न्यू यूजर के ऊपर में आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप न्यू होंगे तो आप अपना पासवर्ड नहीं बनाए होंगे, तो सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या है, न्यू यूजर के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक अपना मोबाइल नंबर देंगे, सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां से अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है और एक अपना पासवर्ड बना लेना है और एक OTP जो आया है उस OTP को यहां पे आपको डाल के सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यूजर क्रिएट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ओके करेंगे और यहाँ से अभी जो मोबाइल नंबर दिए थे मोबाइल नंबर को डाल देंगे, पासवर्ड अभी जो बनाए थे उसको डाल देंगे और सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करेंगे। OTP एक आएगा, OTP को फिलअप कीजिएगा और लॉगिन आपको हो जाना है। तो हम लोग यहां से सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहां सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन, यहां पहला नंबर देखिए इसके ऊपर में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां से Form 8 लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहां से लेट्स स्टार्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहां एस के ऊपर में क्लिक है, रहने देना है, पूछ रहा है आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो हाँ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, यहाँ से आपका जो भी स्टेट होगा उसको डालिएगा और फेस डिटेल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। फेस डिटेल के बाद जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। तो आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी नाम पता जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ यहाँ से शो करेगा, आपको देख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ से फिर से आपका नाम सारा कुछ आ जाएगा और यहाँ से अपना आधार नंबर भर दीजिएगा, यहाँ से मोबाइल नंबर भरिएगा, ध्यान रख लेगा एप्लीकेंट में ही भरना है आपको। उसके बाद सारा कुछ एप्लीकेंट ईमेल आईडी भी एप्लीकेंट में ही भरिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ से आपको दूसरा नंबर जो है इसमें क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या चीज़ सुधार करना चाहते हैं सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है, नाम भी आप सुधार कर सकते हैं, जनरल डेट ऑफ बर्थ रिलेशन आप रिलेशन नेम एड्रेस सारा कुछ मोबाइल नंबर सारा कुछ सुधार कर सकते हैं। तो अभी नाम के ऊपर में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो सही नाम है उसको एंट्री करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। तो करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम अपना नाम लिख लिए हैं यहाँ ऑटोमेटिक नीचे में क्लिक कीजिएगा तो आपका हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में आपको लगता है कि गलत है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और आप हिंदी वाला को सेलेक्ट करके सही हिंदी में नाम सही कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम या आप जो नेम चेंज कर रहे हैं उसके लिए एक कोई प्रूफ देना है, तो प्रूफ के ऊपर में यहाँ अपलोड के ऊपर में क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी कुछ होगा आधार पैन जो भी आपको लगता है यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा आप, या तो कैमरा के द्वारा या तो गैलरी में आपका होगा आधार पैन जो भी आप उसको सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ से अपना नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ से स्पेस आप भर लेंगे जो भी आपका स्पेस होगा जहाँ पे आप रहते हैं वो भर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है और यहाँ से आपको एक बार मिलाना है सब चीज़ कि सही आपका है या नहीं। यहाँ ऊपर में आपका जो ओरिजिनल नाम हुआ पहले वाला वो रहेगा और नीचे में यहाँ देखिए करेक्शन में आपका सही नाम है जो है जो किए हैं सही नाम करेक्शन में नीचे वाला में सही आपका नाम होगा। ये सारा कुछ आपको लगता है सही है तो आपको कन्फर्म के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेफरेंस आईडी आपके पास आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा और आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, चेक करने के लिए
इसको चेक करने के लिए आपको बैक जाना है, फिर से यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर में आना है, यहाँ पे आपका ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म इसके ऊपर में आना है, रेफरेंस आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा और स्टेट डाल दीजिएगा, ट्रैक स्टेट पे स्टेटस पे क्लिक करना है आपको। देखिए ट्रैक स्टेटस पे जैसे क्लिक किए हैं तो यहाँ से दिख रहा है अभी सबमिट हो गया है आज के डेट में और अभी बिल अप्रूव नहीं दिया है, उसके बाद रिजेक्ट या एक्सेप्ट भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी तुरंत ही हुआ है। इसको आप कुछ कुछ दिन में चेक करते रहिएगा तो ये आपका यहाँ से चेक भी हो जाएगा और कुछ दिन में ही आपका नाम जो है सही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप आराम से अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम को सुधार कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल से घर बैठे ही अपना नया किसी का वोटर आईडी कार्ड में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, नया वोटर आईडी कार्ड बना कैसे सकते हैं, तो जाते हुए इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम बताए हुए हैं कि आप घर बैठे ही बस कुछ दिनों में ही एक नया वोटर आईडी कार्ड किसी का भी कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का पूरे तन मन से खुशी खुशी ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।